हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के व्लॉग में हम करने जा रहे हैं हमारी XUV500 को एक कैंपर वैन में कन्वर्ट। इस चीज का मुझे काफी टाइम से वेट था और फाइनली वो टाइम आ चुका है। इस पूरे मॉडिफिकेशन में मैं आपसे पूरी डिटेल शेयर करूंगा, मैंने क्या क्या किया, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई है और उसका क्या मैंने सोल्यूशन किया है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा शुरू से एंड तक देखें। और इन फ्यूचर अगर आपको भी अपनी कार में कुछ ऐसा कराने का मन हो तो उससे आप एक छोटा मोटा आइडिया ले सकते हैं। तो गाइस, फाइनली हमारी मोटो होम की ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहला काम जो होता है, ये पीछे की सीट्स मेरे काम नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा भैया के पास आके इसको रिमूव करवा दें, क्योंकि ये स्पेस निकलेगा उसके बाद ही दिमाग लग पाएगा कि अपन इसमें क्या क्या कर सकते हैं। कितना कचरा निकला है यार, 10 रुपए की कमाई और हुई है। तो फाइनली ये हमारी सीट रिमूव कर दी है भैया ने। गाइस फाइनली शुरुआत हो गई है हमारी कैंपर वैन की। आप देख सकते हैं हमारे दिलशाद भाई है तो ये पूरा काम करेंगे, हमारी इमेजिनेशन को पूरा आकार देंगे। देखो दो पट्टे तो ये वाले करने अपने को, ताकि क्या वो सीट फोल्ड होगी ना, ये हवा में भी रहेगा तो क्या दिक्कत है, बेस तो ये मिल ही रहा है ना। आज तो कुल मिला के ठोकना तो ही है। सो गाइस देखिए, ये मेन बेस तैयार हो चुका है। इधर पीछे की जो एक्स्ट्रा जगह बच रही थी ये मैंने जैसे बेडिंग वगैरह और इन सब के लिए छुड़वाई है, क्योंकि ये सीट फोल्ड और अप होते टाइम थोड़ा अड़ती है उसके। और मेन अपना जो पेंट्री का सामान है या कुछ भी अपन सामान रखो, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल गया अपने को। इसमें अपन देखते पार्टीशन देते हैं या क्या करते हैं आगे चल के। अपने चूल्हे वाली जगह तो बच जाएगी ना उसके बाद आराम से। तो यहाँ पे 1.5 इंच की कटिंग कर रहे हैं हम। पहले वो फोल्डिंग बनाने का था पर यहाँ पर अब स्लाइडर बना रहे हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको समझाऊंगा किस चीज की कटिंग कर रहे हैं। ठोक दो बढ़िया फेविकॉल, ये ठोकते गुनिया में आ जाएगी है ना अपने आप। ऑटोमेटिक ऐसा आएगा, ऐसा आ जाओ। बस ठीक है, बिल्कुल सही जगह है ये एकदम। तो गाइस देखिए, यहाँ पर बॉक्स आ जाएंगे, उसके लिए प्रोविजन बन गया। इधर एक स्लाइडर आ जाएगा, कुछ भी अपन को कटोरी चम्मच चाकू समझ जाओ कटलरी आइटम रखने पड़ेंगे। इधर एक अपने चॉपिंग बोर्ड लग जाएगा, पूरा बाहर तक आ जाएगा। और मेन यहाँ पे हाइड्रोलिक लग के पूरा ऊपर ये एक सिंगल स्टोरेज, इधर दिखाना अंदर आके, एक मिनट दिखाना। ये देखिए कितना बड़ा स्टोरेज निकल गया इसके अंदर। तो ये पूरा मैंने सिंगल रखा है, बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, ताकि कुछ बड़ा सामान भी रखना हो तो इसमें हो जाएगा। और उसके आगे थोड़ा बहुत और स्पेस निकल गया तो उसमें हमारे शूज़ वगैरह या कोई एक्स्ट्रा आइटम है वो सारे बाहर आ जाएंगे। ये हो गया इसका फर्स्ट वाला कवर, हमारे बेड का मतलब बेस। एक बार उठा के बताना दिलशाद भाई कैसे चलेगा ये ऐसे इसके नीचे हाइड्रोलिक लग जाएगी। गाइस देखिए, ये भी एक बीच में स्टोरेज हो जाएगा कॉमन, ये देखिए। और बाकी का अब इसके जैसे स्टेप बाय स्टेप बनता जा रहा है मैं आपको दिखाता जाऊंगा, ये आगे तक बेड आ जाएगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो कल नाइट में थोड़ा लेट हो गए थे, पीछे का केवल बॉक्स बन पाया, वो भी केवल स्केलेटन है। और जो हमें गैस का फोल्डिंग बनाना था उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाया हमने, वो टोटल वुडन पे सक्सेस नहीं रहेगा। एक्चुअली क्या है, उस पर जो हिंग्स लगेंगे कब्जे जिसको बोलते हैं, वो जैसे थोड़ा वेट आता है करता है तो स्क्रू निकलने का डर रहता है, क्योंकि उस पर वेट आएगा कम से कम 30-40 किलो तो वेट आएगा ही आएगा। तो रात को जो मैंने दिमाग लगाया उसका मैं कर रहा हूँ, लोहे का एक फ्रेम बनवा रहा हूँ, अभी वेल्डिंग वालों के पास ही जा रहे हैं हम। तो लोहे का फ्रेम बनवा के उसको एक रिमूवेबल सिस्टम देंगे अपन, जिसको अपन जब मन करे जब उस पार्ट को लगा लें उस पर, और जब मन करे जब हटा लें। तो देखते हैं वहाँ पर जाके कुछ दिमाग लगाते हैं, अगर सक्सेस रहा तो आपको दिखाते हैं।
ठीक है। तो गाइस भैया को तो अपनी बात अभी तक समझ में आई नहीं है, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी आप बैक लगाओ और आप समझाओ क्या करवाना चाह रहे हो। हाँ बताओ क्या करना है। अपने को जो मेन करना है ना, अपने को यहाँ पर एक ऐसा यू फ्रेम बनाना है आपको लोहे का, और यहाँ पे बुश वाले जो होल पास आते हैं ना, वो बुश वाले होल पास लगाने हैं। हाँ इस जगह टिकेगा, ठीक है। अब अपने को यू खोलना है इसको, एक बार कच्चा खोल के बताओ। हाँ उधर कब्जा लगेगा, बिल्कुल सही है एकदम। चलते फिरते बंदूक बना दी है AK-47। हाँ ये रहेगा इस जगह, ठीक है। एक बार खोल के बताना भैया। हाँ बस बस यहाँ, बस यहाँ तक ही खुलेगा, यहाँ तक ही खुलेगा। और ये ऊपर करा अपन ने और ये पूरा रिमूवेबल है, ये रिमूव हो जाएगा ना। बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया। तो गाइज हम जो पीछे चूल्हे के लिए फ्रेम बनवा के लाए थे, देखिए ये पड़ा, उसके नाप में अब एक बॉक्स बनेगा, और जितना हम मिनिमम स्पेस में बॉक्स बना सकते हैं उतना कोशिश करेंगे। अभी हल्का सा अपने को टिकाना है बस इसको, उसके बाद अपन बोर्ड खींच देंगे। देखो गाइज ये चीज़ यहाँ पर फिट होगी, मेन जो पूरा वेट आएगा इसी के ऊपर आएगा। तो गाइज देखिए अभी ये एकदम कच्चा बना है, पर एक दिक्कत आ रही है, ये क्या थोड़ा वेट ज़्यादा हो गया है, और जो हमने सुबह जो लोहे का एंगल बनवाया था वो इसका वेट झेल नहीं पा रहा है। तो अब देखते हैं सुबह एक बार वेल्डिंग वाले भैया के पास लेके जाते हैं, बाकी आप लोग देख के बताइए कैसा लग रहा है। जुगाड़ तो ऐसे सही बैठा है एकदम, ये देखिए ये पूरा खुलने के बाद ऐसा लगेगा, और काम होने के बाद पूरा इसको उठा के फोल्ड कर सकते हैं। तो गाइस प्लान में कुछ चेंज हो गया है, वो पहले वाली डिज़ाइन हमारी सक्सेस नहीं गई थी, तो अभी हमने जो हैवी ड्यूटी स्लाइडर आती है चैनल्स, उनका यूज़ करके कुछ अलग करने का सोच रहे हैं। उम्मीद है ये हमारा सक्सेस चला जाएगा, पूरा नक्शा ही वापस चेंज करना पड़ रहा है। तो गाइस पहले कुछ अलग नक्शा था, और अभी देखिए हमने इसको दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया है। पीछे वाला जो पार्टीशन है वो सिंगल है, कोई भी अगर बड़ी चीज़ रखनी हो अपने को उसके लिए एक अलग से ढक्कन बन जाएगा इसका कवर। और ये देखिए अब जो मेन चूल्हा है ना, वो यहाँ पर हमने हैवी ड्यूटी जो चैनल इंस्टॉल करेंगे ना उसमें आ जाएगी, और पूरा यहाँ तक आ जाएगा। जगह वही आएगा जहाँ पर पहले चाह रहे थे, लेकिन एक मतलब तरीका चेंज हो गया है, और एक चैनल आएगी इस जगह, और इनके नीचे की जो जगह है ना यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो। देखिए बाकी जैसे जैसे बनता जाएगा मैं आपको दिखाता जाऊंगा। ये ड्रॉवर बन चुकी है गाइस, अब इस पर भैया जी चैनल बिठाने का कोशिश करेंगे, कोशिश क्या मतलब चैनल बिठाएंगे, और एक बार इसको कच्चा चला के देखेंगे, आपको दिखाते हैं कैसा क्या लुक आएगा। देखो गाइस फाइनली ये एक्सपेरिमेंट अपना सफल हो गया, एक बार बंद करके बताना, एकदम मक्खन बनाया एकदम मक्खन। साइड की स्पेस को भी कुछ ना कुछ यूटिलाइज करेंगे अपन, वेस्ट नहीं जाने देंगे। गाइस ये सेकंड अपनी जो चैनल चलेगी उसके इंस्टॉलेशन कर रहे हैं भैया, ये देखिए नीचे एक ये ड्रॉवर बन गई, इसको अपन बाद में दिमाग लगाएंगे क्या यूज़ हो सकता है। तो गाइस देखिए अभी ये हमने एक बार इंस्टॉल करके देखा है, ये चूल्हा अपना पूरा बाहर तक आ गया, अभी 2-3 इंच बाहर और जाएगा, और ये उसके आगे आ गई एक और रैक। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कल रात को हमें करीब 12:30-1 बज गए थे, और हमारी भी बैटरी लो हो गई थी। आज ये बाकी का बचा हुआ काम दिन भर में कंप्लीट करेंगे, इतने दिन नाइट में ही चल रहा था काम। तो सेकेंड वाली जो हमारी ड्रॉवर है आज उसका काम कर रहे हैं। हमने सभी ये जो जितनी भी रैक्स बनाई है ना, इनके अंदर सारी हैवी ड्यूटी स्लाइडर का यूज किया है। ये हमारी सेकंड रैक भी इंस्टॉल हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने जो सेकंड वाली जो अपनी सेल्फ थी उसके अंदर एक स्लाइडिंग लगा रहे हैं, तो ये इसके ऊपर एक और प्लाई आ जाएगी और आगे बढ़ के ये एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब काफी बड़ा साइज हो जाएगा इसका। ये हमारा चॉपिंग बोर्ड के भी काम में आ जाएगा, या कुछ सामान रखना हो उसमें भी काम में आ जाएगा। हाँ तो गाइस देखिए अब ये सेकंड वाली रैक है, भैया निकाल के बताना,
ये ऐसे निकलेगी और ये आगे अपने को बढ़ाना है तो ये आगे ओवर हो गया। क्या बोलते हो गाइस, ऐसी कैसी ये वाली रैक भी होगी। देखो पूरा खुल गया था ना भैया, एक मिनट मैं पैर रखता हूँ। ये देखिए गाइस, बोले तो मज़ा आने वाला है इस बार। सो गाइस फाइनली पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा बेस बन चुका है। देखिए आप एक बार भैया बंद करके बताना पूरा किचन सेटअप अंदर। ये देखिए, ये मेन अपनी ड्रावर आ गई, ये सेकंड ड्रावर आ गई, ये उसके ऊपर का स्लाइडर आ गया, एक ये वाली देखिए, इसमें भी हमने एक स्लाइडर इंस्टॉल करा दिया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जगह का यूटिलाइज़ किया है। देखिए गाइस कुछ ऐसी लुकिंग आ रही है, काफ़ी बड़ा बन गया यार, और अंदर पूरा अभी तो बेड बनना बाकी है। तो गाइस फाइनली करीब करीब पूरा हो चुका है वुडन का काम, कल पेंट वाले भैया आएंगे तो इस पे पूरे पे अपन एक बार पेंट करवा देंगे। तो गाइस फाइनली पेंट का काम स्टार्ट हो चुका है, पहले प्राइमर होगा इसके ऊपर, उसके बाद कोई छोटे मोटे खड्डे तो उस पर पुटिंग स्टार्ट होगी, और उसके बाद इस पर पूरा अपन टोटली मैट ब्लैक कराएंगे। ब्लैक कलर क्या एवरग्रीन रहता है और किसी भी इंटीरियर के साथ मैच हो जाता है। गाइस देखिए ये ब्लैक कलर का एक हाथ लग चुका है, पेंट होते ही बिल्कुल लुकिंग ही चेंज हो जाती है। देखो चीज़ की काफ़ी सही दिख रहा है, ये इधर ड्रॉवर्स वगैरह पड़ी है। तो फाइनली अब हमारा मेन बॉक्स गाड़ी में इंस्टॉल करने की तैयारी चल रही है, सब भैया लोग हेल्प करा रहे हैं हमारी। दिलशाद भाई आप देखना, तो हमारे बेड का उद्घाटन सबसे पहले दिलशाद भाई ने किया है। हाँ दिलशाद भाई आराम से आ गए आप, बेहतरीन एकदम आरामदायक। अभी तो गद्दा वद्दा सब लगेगा इस पर, आराम से नीचे तक पैर सेट हो जाएंगे, गद्दा भी नहीं जाएगा, इससे ये सपोर्ट मिल जाएगी तुम्हें गद्दे के, है ना। देखिए गाइस क्या शानदार टेस्टिंग हुई है चूल्हे की। तो गाइस चूल्हे की टेस्टिंग भी एकदम परफेक्ट सेट हो चुकी है, जैसा जिस स्पीड से अपने घर पे चलता उसी स्पीड से यहाँ पर भी चल रहा है। ये जो सपोर्ट लगाया है, इसका सपोर्ट लगाने का बहुत फ़र्क पड़ा है। और ये देखिए फाइनली हमने कार इन्वर्टर यूज़ किया है, ये ऊपर 5 वाट का इसमें बल्ब लगा दिया, LED बल्ब। और अभी कच्चा पक्का सेटअप तो आपको दिखा देता हूँ, अब केवल सामान जमाना बाकी रह गया। और ये अंदर की तरफ देखिए, पूरा लंबा चौड़ा बेड है, मतलब 3 बड़े लोग और 1 बच्चा आराम से सो सकते हैं इस पर, हमने ट्राई किया था। ये देखिए इस साइड भी एक बल्ब लग जाएगा तो फुल रोशनी होने वाली है गाइस। ये देखिए आप कुछ भी बनाओ आप, फुल मज़ा आने वाला है गाइस ट्रिप पे, फुल मज़ा। तो गाइस उम्मीद है आपको हमारा काम पसंद आया होगा। इस पूरे मॉडिफिकेशन में हमने एक चीज का पूरा ध्यान रखा है कि हमने गाड़ी की ओरिजिनलिटी को कुछ भी खराब नहीं होने दिया है, मतलब उसमें परमानेंट हमने कुछ भी फिक्स नहीं किया है, जब मर्जी हो हम इसे निकाल सकते हैं। करीब 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा सेटअप गाड़ी से बाहर आ जाएगा, और हमने कुछ भी कटिंग शटिंग नहीं करी है गाड़ी में, क्योंकि ये गाड़ी मेरे रेगुलर यूज में आती है और घूमना फिरना कोई डेली तो होता नहीं है, तो जब भी अपना घूमने फिरने का मूड हो वैसे इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा फोल्ड होकर आपने देखा होगा बूट स्पेस में आ जाता है। तो इस चीज का मैंने पूरा ध्यान रखा है, और बाकी तो आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में पता लगने वाला है कि कैसे क्या हमने सेटअप कराया इसमें। बहुत जल्दी आपको एक सरप्राइज ट्रिप पे लेके चल रहे हैं, उसमें बहुत सारा मसाला, बहुत सारा एडवेंचर होने वाला है, जो हमारी ड्रीम ट्रिप है, मतलब हमारा बहुत टाइम से मन था वहां पे जाने का, और जिस तरीके से जाने का था उसके लिए हमने हमारी कैंपर वैन को तैयार किया है। तो गाइज इसी तरह आपका प्यार हमारे पे बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपका कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।